हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स के हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो था हमारे पास टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो उसी सीरीज को अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अगला टॉपिक जो हमारे पास बनता है वो बनता है पाइप एंड सिस्टर्न का, यानी नल एवं टंकी का। तो ये टोटली जो टॉपिक डिपेंड करेगा आपका, ये आपके लास्ट टॉपिक जो हमने किया है टाइम एंड वर्क, उसी के ऊपर पूरा का पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब कॉन्सेप्ट डिपेंड करने की बात क्या है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम एंड वर्क में हमने क्या देखा था, भी कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास ए यूनिट होती थी, बी यूनिट होती थी और सी यूनिट होती थी। ठीक है, और इसी को हम लोग नाम दे देते थे, भी मैन कर रहे हैं, वुमेन कर रही है या बच्चे कर रहे हैं। तो एबीसी भी हमसे पूछा गया था और मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हमसे टाइम एंड वर्क में पूछे गए थे। पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क में डिफरेंस क्या है, अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन या 100% ही हम कह लें तो यहां पे हमारे पास क्या होता था, भाई पॉजिटिव वर्क होता था। यानी कोई भी आदमी, औरत या बच्चा अगर मिलकर करे तो वो नेगेटिव काम नहीं कर सकता था। नेगेटिव काम यानी कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में पाइप एक ऐसी चीज है, ठीक है, इस पाइप की अगर हम बात करें, देखो यहां पे मैं एक टैंक बना देता हूं, तो अगर इस टैंक में पाइप को हम ऊपर लगा दें तो ये क्या करेगी, ये भी टैंक को भरने का काम करेगी। यानी यहां पे अगर पाइप ऊपर लगाई गई तो पॉजिटिव काम होगा, लेकिन अगर पाइप को मैं यहां बॉटम में लगा देता हूं, यानी नीचे की तरफ अगर यहां लगा दिया जाए तो ये पाइप क्या काम करेगी, भी नेगेटिव काम करेगी, यानी टंकी को खाली करने का। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट दो चीजें आती हैं, कॉन्सेप्ट दो बनते हैं, भाई अगर पॉजिटिव एफिशिएंसी ज्यादा है किससे, नेगेटिव से। ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव एफिशिएंसी ज्यादा है नेगेटिव से तो जो आपका टैंक है, जो आपका टैंक है वो हमेशा क्या होगा, फिल होगा। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास नेगेटिव एफिशिएंसी ज्यादा है किससे, पॉजिटिव से, तो यहां पे आपका टैंक क्या होगा, टैंक हमारा क्या होगा, यहां पे एम्प्टी होगा। तो ये दो ही चीजें आपको पाइप एंड सिस्टर्न में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से आएगा, भाई आपके पास भरने वाला यानी पॉजिटिव एफिशिएंसी भी काम कर रही है और नेगेटिव एफिशिएंसी भी काम कर रही है, तब क्या होगा, तब हमें यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि ओवरऑल पॉजिटिव ज्यादा है या ओवरऑल नेगेटिव एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा चलेगा वो किसका चलेगा, वो टाइम एंड वर्क का चलेगा। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट हमने क्या कर दी, थोड़ी सी चेंज कर दी है, बस मैन की जगह क्या आ गए, यहां पे पाइप आ गए और पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। देखिए, ए किसी काम को 20 मिनट में, अब ये काम यहां क्या है, टैंक को भरने का काम है, बी करता है कितने में, 30 मिनट में। ठीक है, अब दोनों ही भरने वाले हैं तो इसका मतलब दोनों ही क्या करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, ये आपको माइंड में सोचना है कि दोनों भरने वाले हैं, दोनों खाली करने वाले हैं, एक भरने वाला है या एक खाली करने वाला है, वो इफेक्ट पड़ेगा फाइनल एफिशिएंसी के ऊपर। पहला स्टेप जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया क्या रहेगा, आपका एलसीएम रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वर्क जो होता है, वर्क होता है डेज इंटू में एफिशिएंसी। तो देखो काम हमारे पास कितना था, 60 था ना, अब डेज टाइम हम ले लेते हैं। ठीक है, यानी किसके केस में, पाइप के केस में, तो यहां पे कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं,
तो एफिशिएंसी अगर हम निकालना चाहें तो 20 यहां पे नीचे आ जाएगा, तो पहली पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई हमारे पास 3। तो यही चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अभी किसी भी चीज से अगर आपको काम करवाना है तो उसकी एफिशिएंसी आप लोगों के पास होनी बहुत जरूरी है, उसकी एफिशिएंसी होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब ये क्या कहता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, अगर दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टोटल काम कितना हो रहा है, 3 और 2 5, टैंक कितना है 60 का, तो कितना टाइम लगेगा। रिक्वायर्ड टाइम अगर हम बात करें, टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा भाई, 60 अपॉन में 5, तो ये कितने पे कट गया, ये आपका कट गया 12 पे, ठीक है। तो दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितना मिनट लगेंगे उसको काम करने में, 12 मिनट लगेंगे। ये हमारा क्या हो चुका है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड वर्क का ही है। पहले आपको वर्क निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में पूछा गया है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1/3 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 80 लीटर ऑफ वॉटर देन द क्वांटिटी ऑफ वॉटर दैट हाफ ऑफ टैंक होल्ड इज। देखो भी क्या कहता है, अगर टैंक में एक तिहाई पानी है तो कितने लीटर आता है अभी, 80 लीटर आता है। यानी मैं कहूं कि टैंक जो है वो हमारा कितना फुल है, 1/3 फुल है। टैंक हमारा कितना फुल है भाई, 1/3 फुल है। तो ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, तो इसमें कितने लीटर पानी है, इसमें आपका 80 लीटर पानी है, तो इसमें भी 80 लीटर आएगा और इसमें भी 80 लीटर आएगा। तो यानी टैंक में टोटल कितने लीटर आया जाएगा, आप कहोगे भी 240 लीटर। अब ये क्या कहता है, आधा, अगर टैंक को आधा भर दें तो 240 का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, यानी कितने लीटर, 120 लीटर क्या होगा उसमें वाटर होगा। और ये 120 हमारा क्या हो चुका है आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड विद वाटर बाई ए पाइप इन 5 आवर्स एंड इट कैन बी एम्प्टीड बाई ए सेकेंड पाइप इन 4 आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टर्न इज फुल द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टीड द सिस्टर्न। देखो भी क्या कहता है, ए जो है वो टंकी को कितनी देर में भर देता है, 5 घंटे में भर देता है, ठीक है। और एक दूसरा है बी, ये क्या करता है, ये देखो, इट कैन बी एम्प्टीड बाय ए सेकेंड पाइप, यानी दूसरा इसको क्या करता है, खाली करता है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो ये माइनस साइन में लगा देता हूं सिर्फ आपको ध्यान में रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद पहला स्टेप हमारा आ गया एफिशिएंट, ये एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, अब देखो दोनों पाइप अगर मैं खोल देता हूं तो ये कितना काम करेगा, प्लस का 4, ये कितना करेगा, माइनस का 5। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बी आप इसमें से अगर 4 पानी डालते हो तो ये निकाल कितना देता है, 5। तो यानी टैंक कभी फुल होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, अगर आप 4 लीटर पानी डालते हो तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 लीटर पानी निकालने की, यानी -1 की एफिशिएंसी आपकी क्या बच गई, रिमेनिंग में आ गई। अब ये क्या कहता है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड व्हेन द सिस्टर्न इज फुल। अब ये जब टैंक पूरा 20 यूनिट भरा हुआ है, कितने यूनिट भाई, 20 यूनिट जब ये भरा हुआ है तब हमने इन दोनों को खोल दिया। तो देखो भरा तो जाएगा नहीं, तो खाली होगा किस एफिशिएंसी से, -1 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द सिस्टर, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द सिस्टर, तो 20 यूनिट का था
एक की एफिशिएंसी से क्या होगा, खाली होगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट में ये जो टैंक है ये आपका क्या हो जाएगा भाई, खाली हो जाएगा। तो 20 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से, और इसमें लगभग आपकी चीजें गलत हो जाती हैं। देखिए, ये पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन ए सर्टेन वाटर टैंक इन 4 मिनट्स। भाई डी डायमीटर की जो पाइप है, डी डायमीटर की, ये कितनी देर में खाली कर देती है, 40 मिनट्स में। अब डी डायमीटर है तो पाइप का जो एरिया होता है वहीं से तो पानी बाहर निकलता है, यहां से पानी बाहर आएगा, तो अगर डी डायमीटर है तो कितना एरिया हो गया। अभी मैं सीधा सा इसको लिख सकता हूं डी स्क्वेयर, क्योंकि पाई आर स्क्वेयर होता है, तो रेडियस को हमने क्या लिया, डी मान लिया, क्योंकि यहां पे भी हम डी में ही रिस्पेक्ट में क्या ले लेंगे, अपना रेडियस ले लेंगे। तो मैं कह सकता हूं भी 40 मिनट्स किस एरिया से, डी स्क्वेयर के एरिया से। आगे क्या पूछता है, द टाइम टेकन बाय ए पाइप ऑफ डायमीटर 2D। तो देखो भी डी वाला ये था और 2D का क्या हो गया, एग्जैक्टली इसका क्या हो गया, डबल हो गया, एग्जैक्टली किसका हो गया, पहले वाले का डबल। तो यानी अगर इसका एरिया निकालें तो कितना आएगा, 4D स्क्वेयर। भाई अगर एरिए की बात करें तो पाई आर स्क्वेयर होता है, तो रेडियस का स्क्वेयर करोगे तो जो डबल होगा वो कितना ज्यादा पानी निकालेगा, 4 गुना ज्यादा पानी निकालेगा। तो डी वाला अगर 40 मिनट लेता है, डी वाला अगर 40 मिनट लेता है तो 4D स्क्वेयर वाला कितने मिनट लेगा, 4D स्क्वेयर वाला लेगा 10 मिनट। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा 10 मिनट आता है, लेकिन हम जल्दबाजी में देखो इसको 2D का एरिया नहीं कन्वर्ट करते और हम इसका आंसर कितना लगा देते हैं, 20 मिनट लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन में बहुत आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन, और इसका आंसर कितना रहेगा, 10 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक विद वॉटर इन 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। देखो ए भर सकता है 30 मिनट में, बी भर सकता है 45 मिनट्स में, द थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 मिनट। सी जो है ये खाली करने वाला है कितनी देर में, 36 मिनट में। फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 12 मिनट्स सी इज ओपन। देखो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया हमारे पास, 180, 30 का 6, 45 का 4 और 36 का 5। तो अब देखो पहले ए और बी को खोला गया, तो ए और बी को खोल देते हैं भी, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 और 4 10। आफ्टर 12 मिनट्स सी इज ओपन, तो सी को हमने खोला 12 मिनट के बाद, सी खोला गया आफ्टर 12 मिनट्स, तो 12 मिनट तो ए और बी ने काम किया ना, कितना काम कर देंगे, 120 काम ये लोग कर देंगे। ठीक है, तो अगर 120 काम हो चुका है, तो अब कौन आ गया, अब सी भी खुल गया, तो अब एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए प्लस का बी प्लस का सी, अब एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, 4, 10 और 5, सी की माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी रह गई, प्लस की 5 रह गई ना, और तीनों के तीनों वर्क कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया टोटल टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड अप इज, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। अब देखो 180 में से 120 तो भरा जा चुका, तो रिमेनिंग टैंक कितना है, तो रिमेनिंग टैंक की अगर हम बात करें तो ये होगा 180 माइनस का 120, यानी 60 यूनिट रह गया भाई, और ये 60 यूनिट भरने के लिए कितने लोग हैं, 3 है, एफिशिएंसी 5 है, तो रिमेनिंग टाइम कितना लगेगा, 12 मिनट्स लगेंगे। तो ये अगर टाइम आपसे पूछा जाता रिमेनिंग का,
रिमेनिंग का पूछा जाता तो आपके पास आंसर आता कितना, 12 मिनट। लेकिन आपसे रिमेनिंग नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भाई? टोटल टाइम देखो 12 मिनट तो यहां लगे और 12 ही मिनट आगे जाकर लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई? 24 मिनट। तो टैंक को पूरा भरने में, पूरा फिल होने में, पूरा फिल होने में 24 मिनट आपको लगेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से रखना है कि आपसे रिमेनिंग चीज पूछी गई है या आपसे टोटल टाइम पूछा गया है। तो हमसे टोटल टाइम पूछा गया था तो हमारा आंसर कितना आया भी? 24 मिनट्स हमारा यहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, ये रहा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए सिस्टर्न इन 60 मिनट्स। टू पाइप ए एंड बी अलग अलग कितनी देर में भाई? ए भर देता है 60 में और बी भर देता है 75 में। देर इज ए थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न टू एम्प्टी इट। एक कोई तीसरा पाइप है सी, कौन सा? खाली करने वाला। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन्ड देन द सिस्टर्न इज फुल इन 50 मिनट्स। अगर मैं तीनों पाइपों को खोल दूं तो ये क्या हो जाता है? सिस्टर्न इज फुल इन 50 मिनट्स, भर जाता है। तो यानी पॉजिटिव एफिशिएंसी ज्यादा है किससे? नेगेटिव से। तो देखते हैं भाई एलसीएम कितना आ गया हमारे पास। एलसीएम ले लेते हैं 300। ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो भरने की एफिशिएंसी कितनी है? 9। और तीनों की मिलाकर कितनी हो जाती है? 6। तो इसका मतलब कि जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी है? -3। सी की एफिशिएंसी कितनी है? -3। और माइनस साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या डिनोट करता है? डिनोट्स एम्प्टी पाइप, यानी खाली करने वाले नल की क्षमता। तो आपसे क्या पूछा गया? इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप एलोन कैन एम्प्टी द सिस्टर्न। अब सिस्टर्न कितना है भाई? 300 है। अकेला अकेला खाली करे तो कितने पे लगेगा भाई? 100। और आंसर किस रिस्पेक्ट में आएगा? जो यूनिट हमें दे रखी है, यानी 100 मिनट्स। तो सी अगर अकेला करे, टाइम टेकन बाय सी अलोन, अगर सी अकेला काम करे तो कितने मिनट में भी? 100 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। तो देखो ए और बी, अब बी अगर एक से भरता है, ठीक है, तो ए कितने में भरेगा? 3 गुना तेजी से, यानी 3 से। तो ये अगर एफिशिएंसी है तो यहां पे टाइम किस रिस्पेक्ट में आ जाएगा? 1/3 के रिस्पेक्ट में। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइप 36 गुना में 4, क्योंकि दोनों भर रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? इनटू में, यानी प्लस हो जाएगी। तो वर्क कितना आ गया हमारे पास? वो टैंक कितने का था? तो 36 गुणा में 4 यानी 144 यूनिट, 144 यूनिट का वो टैंक आ चुका है। द स्लोवर पाइप एलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। तो स्लोवर पाइप कौन है भाई? जिसकी एफिशिएंसी क्या है? एक है। तो आपके पास यहां आंसर कितना आ जाएगा? 144 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन का देखो एक और एस्पेक्ट बनता है। अगर स्टेटमेंट के हिसाब से चले तो देखो भी ए बाय बी, वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप।
तीन गुना ज्यादा, तीन गुना ज्यादा यानी तो ये एक होगा तो ये कितना आएगा, चार आएगा, ये एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी। तो टोटल एफिशिएंसी आपके पास पांच आ गई, तो 36 गुना में पांच। और स्लोवर पाइप की अगर बात करें तो कितने मिनट लगते भाई, 180 मिनट लगते। देखो फर्क है, तीन गुना और तीन गुना ज्यादा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। 100 का तीन गुना, 100 का तीन गुना कितना होगा, 300। और तीन गुना ज्यादा, 100 से तीन गुना ज्यादा, तो 100 में क्या जोड़ा जाएगा, 300 जोड़ा जाएगा, तो कितना आएगा, 400। तो बस ये स्टेटमेंट का फर्क है। और आंसर हमने क्या लगाया है ऑप्शन के हिसाब से, यानी 144 मिनट हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 आवर्स 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 2 आवर्स इफ ऑल 3 पाइप्स आर केप्ट ओपन। देखो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए 3 में, बी 4 में और सी खाली करता है 2 में। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 12। एफिशिएंसी 3 की 4, 4 की 3 और इसकी कितनी आ गई, 6। ऑल द 3 पाइप्स आर केप्ट ओपन, तो ये भरने का काम करेगा प्लस का 7 और ये खाली करने का काम करेगा माइनस का 6। तो फाइनल एफिशिएंसी कितनी आ गई, प्लस का 1, तो 12/1, तो यानी कितने मिनट्स या आवर्स, 12 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में हमने नहीं लगाया क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली व्हाइल द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 30 आवर्स इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फिर से है, ए 15, बी 20 और सी आ गया कितना, 30। एलसीएम वही आएगा हमारे पास 60, तो 15 का 4, 20 की 3 और 30 की 2। तो तीनों को अगर खोल देते हैं तो ये लोग काम करेंगे प्लस का 7 और ये काम करेगा आपका माइनस का 2। तो फाइनल एफिशिएंसी कितनी आ गई, प्लस की 5, तो 60/+5 यानी ये भी आपके पास कितना आएगा, 12 आवर्स। कितना आएगा भी, 12 घंटे। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न, तो ए भरता है अभी 37.5, 37.5 यानी 75/2। देखो ए कितना आ जाएगा, 75/2 और बी कितना आएगा, 45। आगे क्या कहता है, बोथ द पाइप्स आर ओपन द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन 1/2 आवर। देखिए भी एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 150, 300, 450। तो ये आ गया देखिए 450 और जब 75/2 से करेंगे तो ये इंटू में 2 हो जाएगा ना। तो ए की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये चीज ध्यान देनी है, 15/5 30, तो ये हो गई कितनी एफिशिएंसी आपकी, हो गई 12। तो ये इस तरीके से करनी है और इसकी कितनी आ गई, 10। अब ये क्या कहता है, दोनों पाइपों को खोल दिया, दोनों को खोल दिया तो कितनी देर में, 1/2 आवर में, 1/2 आवर यानी 30 मिनट में क्या हो जाता है, टैंक आपका फुल हो जाता है, 30 मिनट में टैंक फुल हो गया। तो आपसे पूछा गया इफ द पाइप बी इज टर्नड ऑफ आफ्टर, देखिए हिंदी में देखते हैं तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो शुरुआत में तो ए और बी चलेंगे ना, तो ए और बी चलेंगे, कुछ टाइम पीरियड के बाद मैंने बी को बंद कर दिया, बी को यहां पे क्लोज कर दिया गया, तो लास्ट के यूनिट भी कौन करेगा, ए करेगा। तो एक बात तो तय हो गई, ए स्टार्टिंग से चला और एंड तक काम किया कितने मिनट भी उसने, 30 मिनट। तो इससे 30 मिनट का काम करवा लेते हैं, कितना हो गया अभी, 360। तो ये काम तो ए ने किया ना, तो यानी 450 में से 360 अगर माइनस कर दूं तो ये जो 90 काम था, ये जो 90 काम था वो बी ने किया होगा। ये 90 काम किसने किया होगा,
बी ने किया होगा बंद होने से पहले। तो बी की एफिशिएंसी 10 की थी, तो यानी ये कितने मिनट बाद बंद हो गया होगा, 9 मिनट के बाद बी को हमने क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। तो ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या हो गया अभी आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन, ए टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 8 आवर्स एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। ए भरता है 8 में, बी भरता है 16 में, एलसीएम 16, एफिशिएंसी 2:1, ठीक है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन द टाइम इन आवर्स टेकन टू फिल द टैंक विल बी। तो देखिए अभी दोनों पाइपों को, एक आपके पास भरने वाला है, एक आपका खाली करने वाला है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, प्लस की वन, ठीक है। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो 16/1 इज इक्वल्स टू 16 आवर्स, ठीक है। ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे भाई, 16 घंटे। तो ये आपका क्या हो चुका है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैंक इज फिटेड विद 2 पाइप, द फर्स्ट कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 मिनट्स, ए भर देता है 45 मिनट में, द सेकेंड टैंप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर। अब देखो यूनिट 1 आवर में गिवन है, तो 1 आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में, ठीक है। तो ये चीज आपको खास के यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, इफ बोथ द टैप्स आर ओपनड अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट देन इन हाउ मेनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। अब देखो क्या दोनों भरने वाले हैं, ए टैप इज फिटेड विद 2 टैप्स, द फर्स्ट कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 मिनट्स एंड द सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर, एम्प्टी कर देता है भाई। तो यानी ये क्या है, आपके पास नेगेटिव एफिशिएंसी है, तो 180 आ गया भाई। तो ये हो गया 45 4 पे, ये हो गया 3 पे। तो देखो स्टार्टिंग अगर हम करें तो किस तरीके से होगी, पहले ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ये काम कब तक चलेगा, जब तक आपके पास 180 यूनिट काम नहीं हो जाता। और इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये हम फिलिंग वाले की एफिशिएंसी छोड़ देते हैं, यानी ये 4 यहां पे छोड़ दिया जाएगा। अब देखते हैं, अभी ए आया 4 काम करेगा प्लस का, बी आएगा 3 खाली कर देगा, तो यानी टैंक में कितना पानी बचा, 1 यूनिट। तो यहां से मैंने क्या कर दी, पेयरिंग कर दी भाई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी यानी 1 यूनिट काम होगा कितनी देर में, 2 मिनट में, क्योंकि 1-1 मिनट चलेगा। इसके बाद 180 में से 4 गए 176, तो 176 यूनिट काम हो गया भाई, 176 यूनिट काम हो गया, 176 गुणा में 2, तो ये कितना आ गया, 352 मिनट्स, कितना आ गया, 352 मिनट्स। अब ये जो लास्ट वर्क यानी ये जो 176 यूनिट बचा कब, तो यानी बी ने काम किया होगा, क्योंकि जोड़े में आखिरी काम कौन करता है, बी करता है। अब बारी किसकी आ गई, ए की बारी आ गई, तो ए से 4 यूनिट काम करवा लेते हैं, तो हो गया 180 यूनिट काम, और 1 मिनट इसको और लग जाएगा, तो ये कितना हो गया, 353 मिनट, 353 मिनट्स। और इसको अगर आर्स में कन्वर्ट करना है, आर्स में कन्वर्ट करना है, तो 353 को किससे भाग दे देंगे भाई, 60 से, तो यानी 5 घंटे और 53 मिनट, 5 घंटे और 53 मिनट, ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 60 गुणा में 5 300 और 53 मिनट्स आपकी क्या है जाएंगी, शेष रह जाएंगी। तो आंसर है 5 hours and 53 मिनट्स। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलिए तो
आज की क्लास में आपके पास यही क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही धीरे धीरे हम लोग इस चीज को कवर अप करेंगे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है हमें। तो चलिए आज के लिए आपके पास इसी चीजों को और इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए जो सीरीज आपकी चल रही है 7300 प्लस की बुक, उसी में ये क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करते रहो। और अगर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड या कोई और टॉपिक आप करना चाहते हो, उसके डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो जिसका नाम है क्वांटिट्यूड, और इसी नाम से हमारे पास है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपके पास डेली, ठीक है, डेली डाउट सेशंस आपके रहते हैं, तो वहां पे आप अपने क्वेश्चंस की पिक डाल सकते हो और वो भी आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।